सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग देख रहे हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी को देख रहे हैं, वो भी फ्लावर के। सो हम लोग किसकी देख रहे थे? हम लोग फ्लावर के देख रहे थे। और यूनिसेक्सुअलिटी में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर्स की। यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर्स में भी होगा और इस टाइप के आपकी प्लांट में भी होगा, लेकिन प्लांट के लिए कुछ अलग नाम है। फिलहाल हम लोग फ्लावर की बात करते हैं एक बार और। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है ओनली वन एसेंशियल वर्ल्ड। वो एसेंशियल वर्ल्ड कौन सा है? वो एसेंशियल वर्ल्ड आपका होगा या तो एंड्रोशियम या तो गाइनेशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो द फ्लावर कैन बी स्टेमिनेट, दैट इज मेल फ्लावर, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं स्टैमेन। एंड फ्लावर कैन बी पिस्टिलेट, दैट इज फीमेल फ्लावर, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं पिस्टिल। अब बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है ये दोनों पार्ट ही प्रेजेंट है इन फ्लावर। तो बोथ द पार्ट आर प्रेजेंट इन फ्लावर, सो इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी में भी दो टाइप के आते हैं। पहला टाइप, इसको कहते हैं मोनेशियस। मोनेशियस का मतलब क्या है? मोनेशियस का मतलब है जब स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर सेम प्लांट पे पाए जाते हैं, बॉर्न ऑन सेम प्लांट। सपोज ये एक प्लांट है, इसमें एक स्टेमिनेट फ्लावर है यानी कि मेल फ्लावर है, और एक इस टाइप का है पिस्टिलेट फ्लावर है। तो इस टाइप की प्लांट को हम लोग किसको कहेंगे? इस टाइप की प्लांट को कहेंगे हम मोनेशियस। तो मोनेशियस में क्या हो रहा है? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर बॉर्न ऑन दी सेम प्लांट। तो अभी जो बाइसेक्सुअलिटी का बात कर रहे थे, बाइसेक्सुअलिटी का मैंने रेड से लिखा आपको फ्लावर के कंडीशन में, यानी कि एक फ्लावर है जिसमें आपकी मेल पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फ्लावर की कंडीशन में ये बाइसेक्सुअलिटी है। लेकिन प्लांट की कंडीशन में बाइसेक्सुअलिटी किसका मतलब क्या है? मोनेशियस प्लांट। प्लांट की कंडीशन में ये बाइसेक्सुअलिटी इसका मतलब क्या है? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट। सो प्लांट की कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब जिसमें मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, और इसको एक टर्म से कहा गया है मोनेशियस। मोनेशियस इसका एग्जाम्पल क्या है? काकरविशा। काकरविशा कौन सा प्लांट है? एक्चुअली जेनस है काकरविशा, इसकी बहुत सारे स्पीसीज है। कॉमन नेम है पंपकिन, एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो पंपकिन इसके एग्जाम्पल है। इसी तरह डायशियस अगर हम बात करेंगे तो प्लांट में कैसा होता है कि डायशियस का मतलब स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर ऑन दी डिफरेंट प्लांट। सो एक प्लांट है जिसमें सिर्फ आपकी मेल फ्लावर दिखे, सिर्फ मेल फ्लावर, और एक प्लांट है जिसमें आपको सिर्फ फीमेल फ्लावर दिखेंगे। तो इस टाइप की प्लांट को कहेंगे डायशियस। सो प्लांट को क्या कहेंगे? प्लांट को कहेंगे डायशियस। स्पेलिंग को एक बार देख लो, इसकी स्पेलिंग होगा DIOECIOUS, डायशियस कहेंगे, ठीक है। सो इसका बेटर एग्जाम्पल है पपाया। जनरली पपाया, बहुत सारे और भी है, ठीक है। पपाया में क्या होता है? पपाया में देर इज अ मेल प्लांट, पपाया प्लांट जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर होगा, उसमें कभी फ्रूट्स नहीं आएंगे, और एक है फीमेल फ्लावर, उसमें हमेशा फ्रूट्स आते रहेंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज दैट अब पोजीशन ऑफ द फ्लावर के हिसाब से फ्लावर को डिवाइड किया गया है। नाउ वी विल से द पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर,
पोजीशन ऑफ द फ्लावर ओवर व्हाट? ओवर थैलेमस मे बी, ओवर थैलेमस। अब इसके हिसाब से प्लांट को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। अब आपको देख लो इस चीज को, व्हाट इज दिस? द पहला टाइप है हाइपोजीनस, हाइपोजीनस। स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम लोग इसकी लास्ट में चलेंगे और फ्लोरल फॉर्मूला करेंगे। और ये एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं नीट में, बोर्ड में, ये सब में। सो इस जगह को गौर से समझ लेना। एक होता है हाइपोजीनस फ्लावर, डिस्क्राइब करेंगे वो क्या है। दूसरे टाइप होते हैं, इसको कहते हैं पेरीजीनस फ्लावर। इसको क्या कहते हैं? पेरीजीनस फ्लावर। सो कंप्लीट लिखेंगे हाइपोजीनस फ्लावर, पेरीजीनस फ्लावर, एंड द थर्ड इज ऑब्वियसली इज कॉल्ड एज एपीजीनस, एपीजीनस फ्लावर। ठीक है, हाइपोजीनस फ्लावर, पेरीजीनस फ्लावर एंड एपीजीनस फ्लावर। नाउ लेट अस लुक एट दिस हाइपोजीनस फ्लावर। सो अब हम लोग एक पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। सो वी विल ड्रॉ अ पिक्चर। नाउ पिक्चर से समझेंगे कि किस टाइप का है, थ्योरी बाद में करते हैं। सबसे पहले ये है थैलेमस। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द थैलेमस, और थैलेमस के बाद ये स्टॉक आ रहा है। नाउ दिस स्टॉक, ओवर दिस स्टॉक देयर विल बी अ स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोग बाद में आएंगे। जो सबसे जो पहली बार इसको देख रहे हो, इस अभी जस्ट इसकी पिक्चर इसी तरह से देखो। मैं एक बार और कोशिश करता हूं, ठीक है। ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप कौन आया? ओके, हेलो, वेलकम आदर्श। अच्छा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम लोग इसके नामकरण करेंगे, इसको कहेंगे थैलेमस, टी फॉर थैलेमस। और ये है आपकी सिंपल, अब ओवरी समझो, अभी नाम के लिए ओवरी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अभी स्ट्रक्चर पे नहीं, ये ओवरी हम मान के चलो, ओवरी। अब इसके बाद ये देखो थैलेमस है। अब देखो, अब ये फीमेल पार्ट है, अब यहां से मेल पार्ट आ रहा है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, क्योंकि मेल पार्ट को थोड़ा सा इसकी छोटा भी कर देते हैं इससे, ये मेल पार्ट, इससे थोड़ा सा छोटा ही है, और ये है मेल पार्ट। दूसरी पार्ट ये है इसका, ये बोल है, जिसको हम लोग हिंदी में फिलहाल के लिए हिंदी में इसको कहते हैं पंखुरी। अब देखो ये थैलेमस है, ये पंखुरी है, नामकरण नहीं कर रहा हूं। ये आपकी, ये आपका क्या है, ये स्टैमेन है, ये क्या है, स्टैमेन है, यानी कि मेल पार्ट। तो देखो किस टाइप की इसकी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को देखो। अब हम लोग अरेंजमेंट नेक्स्ट की चलेंगे, पेरीजीनस फ्लावर की अरेंजमेंट पे चलेंगे। नाउ लुक एट दीज अरेंजमेंट, अब ये अरेंजमेंट को देखना। ये है थैलेमस, ये क्या है, थैलेमस। अब इसके ऊपर इस टाइप की ये है आपकी ओवरी, थोड़ा सा और इसको लंबा कर दीजिए,
ठीक है, और यहां से इसको मिटा देते हैं। ओके, ये है इसकी ओवरी और यानी कि फीमेल पार्ट। अब यहां से देखो, ठीक, अब इसकी पंखुड़ी कहां से आएंगे? ये पंखुड़ी यहां से, इस साइड से, ये। ये नॉन एसेंशियल वॉल है। ये क्या है? दिस इज सेमेन। ये क्या है? ये ओवरी। ये क्या है? थैलामस। आप ड्राइंग को एक बार देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि ये क्या है। थर्डली आ रहा है एपिजिनस। अब एपिजिनस की बात आ रहा है। नाउ लुक एट दी, नाउ लुक एट दिस, सॉरी, ठीक। और इसकी पंखुड़ी कैसे होंगे? इसकी पंखुड़ी, ये पंखुड़ी। अब आपको पिक्चर देख के ये लगता है कि देखो किस टाइप का है। थैलामस के बिल्कुल ऊपर ओवरी है और ओवरी के बेस से, ओवरी के बेस से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ये हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी के बेस से, थैलामस के ऊपर ही है। अब इस कंडीशन में देखो, ओवरी जो है स्टैमेन के नीचे है, यानी कि स्टैमेन जो है ये ओवरी बेस से ऊपर ग्रो किया है, और ये एपिजिनस में ओवरी एकदम थैलामस के अंदर है, एकदम अंदर है, और ओवरी के एकदम पीक पे, एक्साइल रीजन पे से आपकी स्टैमेन एंड दी अदर नॉन एसेंशियल वॉल ग्रो किया है। अब हम लोग इसकी थियोरी को कैसे लिखेंगे? हाउ वी विल राइट दी थियोरी? अब क्या है, अब हम लोग को ये बताना पड़ेगा कैलिक करोला एंड एंड्रोशियम। अब कैलिक्स करोला एंड्रोशियम को छोड़ दो, इसका नाम अभी हम लोग नहीं सुना है। हम लोग ये कह सकते हैं कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वॉल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन, सो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे स्टैमेन एंड दिस स्टैमेन एंड नॉन एसेंशियल वॉल, क्योंकि नाम अभी तक हम लोग नहीं सीखा है। नॉन एसेंशियल वॉल, नॉन एसेंशियल वॉल एंड स्टैमेन, ठीक है, अराइजेज बिलो फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी वॉल, अराइजेज फ्रॉम बिलो दी ओवरी, बिलो दी ओवरी, ठीक है। द नेक्स्ट इज एंड दी फ्लावर, इसको कहते हैं हाइपोजेनस। सो द ओवरी बिकेम्स दी सुपीरियर, यही है इसकी कैच पॉइंट। सो इसकी कैच पॉइंट क्या है? ओवरी इज सुपीरियर। हाइपोजेनस फ्लावर में ओवरी इज सुपीरियर,
हाइपो का मतलब है नीचे, इसका मतलब है स्टैमेन इज बिलो हाइपो, स्टैमेन इज हाइपो टू ओवरी। एक लाइन में लिखेंगे स्टैमेन इज हाइपो टू ओवरी, स्टैमेन इज हाइपो टू ओवरी। समझ में आया? स्टैमेन इज हाइपो टू ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिजिनस। पेरिजिनस की कंडीशन में आप देखो स्टैमेन और दी नॉन एसेंशियल वोल्ड जो है फ्रॉम दी मिडिल ऑफ दी ओवरी, स्टैमेन एंड नॉन एसेंशियल वोल्ड फ्रॉम मिडिल ऑफ ओवरी। तो यहां पर ही बिलो, यहां पर ही मिडिल ऑफ दी ओवरी, यहां पर ही कैसा है, यहां पर ही कैसा है मिडिल ऑफ दी ओवरी, और यहां पर ही हाइपो में क्या है बिलो दी ओवरी। तो पेरिजिनस इसमें मिडिल ऑफ दी ओवरी से ये है। सो दिस इज एक्चुअली ओवरी इज सेमी इंफेरियर, सो ओवरी सॉरी ओवरी इज सेमी इन ओवरी इज सेमी इंफेरियर। सेमी आप देखो ये जो स्टैमेन का जो लाइन आप देख रहे हो, इफ यू लुक एट दिस लाइन इट इज ऑलमोस्ट टू दी मिडिल, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है बट इट इज ऑलमोस्ट टू दी मिडिल पार्ट, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज सेमी इंफेरियर। व्हाट इज कॉल्ड? सेमी इंफेरियर ऑफ दी ओवरी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एपी जीनस। सो एपी जीनस में आप सीधा सीधा देख सकते हो ओवरी इज टोटली इनसाइड दी थैलेमस, ओवरी इज टोटली इनसाइड थैलेमस, ओवरी इज टोटली इनसाइड दी थैलेमस। एंड इसके बाद क्या हो रहा है, इसका बाद है कि ये जो स्टैमेन एंड नॉन एसेंशियल वोल्ड, सो स्टैम एंड नॉन एसेंशियल वोल्ड फ्रॉम टिप ऑफ थैलेमस, टिप ऑफ थैलेमस, टिप ऑफ थैलेमस, ठीक है। सो इसका मतलब है ओवरी जो है वो ओवरी है इंफेरियर, ओवरी इज इंफेरियर। तो इस कंडीशन में ओवरी इज इंफेरियर, ठीक है। तो स्टैमेन एंड नॉन एसेंशियल फ्रॉम दी टिप ऑफ दी थैलेमस, इस कंडीशन में फ्रॉम दी मिडिल ऑफ दी ओवरी और मिडिल ऑफ दी, इसमें भी टिप ऑफ दी थैलेमस ही है इस, लेकिन ये बिलो दी ओवरी है, ठीक है। सो और यू कैन से अबव दी ओवरी भी कह सकते हो, यू कैन से अबव दी ओवरी, डू यू अंडरस्टैंड। यू कैन स्टेट दैट दी स्टैमेन एंड नॉन एसेंशियल वोल्ड आर ओवर दी आई मीन अबव दी ओवरी, यहां से राइज किया है, यू कैन से लाइक दैट। नाउ लेट अस लुक एट दी रियल नेम एंड पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर, राइट। वी विल लुक एट दी रियल नेम एंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर।
सो हेयर वी विल लर्न दैट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। शायद आपको ये लगे कि अभी तक तो हमने बहुत सारा नाम देख भी लिया है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर का, और नया क्या नाम देखना है। यस देयर आर, मैंने पहले आपको कहा देयर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। एक है आपकी ये आगे की क्लास में हमने देखा, देयर आर वन इज एसेंशियल वॉल, देयर इज अ एसेंशियल वॉल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एसेंशियल वॉल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और देयर इज अ नॉन एसेंशियल वॉल और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ नॉन एसेंशियल वॉल के बारे में पहले बात करेंगे। नॉन एसेंशियल वॉल इज टू टाइप्स, ये हो गया, इसको कहते कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला। नाउ व्हाट इज कैलिक्स, कैलिक्स की और एक नाम है सेपाल, कैलिक्स की और एक नाम क्या है सेपाल, और कोरोला की और एक नाम क्या है पेटाल, पेटल का मतलब है पंखुरी। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट आप देखते हो, ये कलरफुल पार्ट है, दिस इज कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो भी फ्लावर का कलर होता है, व्हाइट हो चाहे रेड हो चाहे कुछ भी हो, पिंक हो, तो वो ड्यू टू द पेटल, और उसको कहते हैं कोरोला, उसको क्या कहते हैं कोरोला। और कैलिक्स कौन सा पार्ट है, कैलिक्स इज बिलो द कोरोला, इट इज बिलो द कोरोला ग्रीन पार्ट, बिलो कोरोला द ग्रीन पार्ट, बिलो कोरोला द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, बिलो कोरोला द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसको कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। नाउ दिस इज द आउटर मोस्ट एंड ऑब्वियसली नॉन एसेंशियल, दिस इज द आउटर मोस्ट, सो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर और आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। सो दिस इज द फर्स्ट वॉल हम लोग बात करेंगे, नाउ वी विल कॉल इट एज अ फर्स्ट वॉल, दिस इज द फर्स्ट वॉल, दिस इज आउटर मोस्ट, क्या हुआ आउटर मोस्ट वॉल, ठीक है। ये किस तरीके का दिखता है, ये इस टाइप का दिखेगा आपको, किसी भी फ्लावर में आपको इस टाइप का ये दिखेगा, ये ग्रीन पार्ट है। अगर आप एक हिबिस्कस देखो या तो आप एक कोई भी फ्लावर को उठा के देख लो, उसके नीचे इस टाइप की ग्रीन पार्ट आपको मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज दी फर्स्ट वॉल, इसको कहते हैं सेपाल और इसको कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। सेपाल और कैलिक्स नाम को याद करो, कि लेकिन बाद में जाके फ्लोरल फॉर्मूला के समय बाद में और भी काम आएंगे ये साथ। दूसरा है आपकी पेटल, पेटल जो आपकी फ्लावर का देखते हो, ये पंखुरी है ना, ये पंखुरी इस टाइप का, क्या टाइम हो गया, हाँ टाइम अब भी, हाँ हो गया, ठीक है।
पर 2-5 मिनट, 2-5 मिनट हम अभी कंप्लीट करते। सो ये आपकी पंखुरी है, ये इसको कहते हैं कोरोला, ठीक है। अब इसके जो डिटेल्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।